हाँ जी बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट, जो थर्ड यूनिट है उसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो, जिस एलिमेंट्री से आप लोगों को करवा रहे हो उसमें डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, हल्की सी दो चार इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशंस वगैरह हैं, एंड देन उसके बाद में डायरेक्ट जो सेकंड पेज है हमारा वहाँ पर क्या दे रखी है कि कुछ एक वैक्सीन वगैरह की, किस डिजीज के लिए कौन सी वैक्सीन होती है या उनका क्या फुल फॉर्म होती है, या जैसे कि हम जो कई सारे ऐसी डिजीज रहती है जिनके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो ये यूनिट अब करवाने जा रही हूँ मैं आपको मॉडर्न में से करवाने जा रही हूँ। देखो, दोनों से ही करवाऊंगी, जो इसमें एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ से करवा रही हूँ, बाकी का जो एलिमेंट्री में जो आपका पोर्शन है वहाँ से, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये चीज़ क्या आ गई क्या नहीं आई, क्योंकि इस चैप्टर में जो ये स्टार्टिंग के दो तीन पेज अब आपको दिखेंगे सारे के सारे वो रहेंगे जो कि हमने 9th क्लास में पढ़े थे, हेल्थ क्या होती है, जो डिजीज होती है वो किस किस की वजह से सेपरेट होती है। तो देखो बेटा, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 1948 में उसने हेल्थ की एक सिंपल सी डेफिनेशन दी। हेल्थ का मतलब होता है एक कंप्लीट ऐसी स्टेज, ठीक है, एक ऐसी स्टेज जिसमें ऑर्गेनिज्म फिजिकली मेंटली और सोशली फिट हो, समझे। हेल्थ दैट मीन्स द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल फिटनेस, दैट मीन्स जहां पर कोई डिजीज ना हो उसी को हम हेल्थ के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऐसी स्टेट हमारी बॉडी की जब हमारे जितने भी जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, क्लियर। तो देखो, फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब हुआ, जब हमारे जितने भी ऑर्गन्स और जो बॉडी का सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हम जो इमोशनली हैं वो स्ट्रोंग है, कोई मेंटल कंफ्लिक्ट नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। और सोशल हेल्थ का मतलब है कि खुशहाल परिवार है, आस पड़ोस बहुत अच्छा है, दैट मीन्स कि हमें किसी भी लेवल पे फिजिकली मेंटली या सोशली जब कोई स्ट्रेस नहीं होता, दिस वन इज नोन एज द हेल्थ, है ना। तो बहुत सी चीजें रहती है जो कि हमारी हेल्थ को क्या करती है बेटा, अफेक्ट। जैसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, कई बार साइक्लोन्स वगैरह, फ्लड वगैरह ना, ये क्या करती है हेल्थ को अफेक्ट करती है। क्यों, बाढ़ आई, बीमारियों को नौता दे के आई है, कई सारी बीमारियां फैलेंगी। सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर, सडनली जॉब चले जाना, लॉकडाउन में मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें आ रही है ना स्ट्रेस की कंडीशन, कि कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कभी किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स कि वो सोशली कहीं ना कहीं परेशान है, मेंटली कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड हो गया, मानो किसी के पास घर ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो दिन रात बेचारा इसी चीज में डूबा रहता है कि तेरे पास घर नहीं है, अपने घर वालों को कहाँ रखेगा, तो किस तरह आप उसको कह दोगे कि भाई जो ये पर्सन है वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता बेटा देखने में हट्टा कट्टा है, हेल्दी का मतलब है कि उसको किसी भी लेवल पे, ठीक है, अपने आस पड़ोस से, अपने सराउंडिंग से, अपनी परिवार से, मतलब जब कोई स्ट्रेस नहीं होता, जब एक खुशहाल परिवार जो होता है, खुशहाल जिंदगी जो जी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ के नाम से जानते हैं। पब्लिक क्लीनिनेस, अगर हमारे आसपास सफाई रहेगी देन ऑब्वियसली बात है डिजीज फैलेगी नहीं। बैलेंस डाइट का होना, इकोनॉमिक कंडीशन अगर हमारी स्ट्रोंग है देन ऑब्वियसली बात है कि हम हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन, है ना, कोरोना ने एक चीज़ तो सिखाई कि बार बार अपने हैंड वॉश करो, जब भी वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज और योगा भी सिखा दिया इन सारी चीज़ों ने हमें, यही होता है रिलैक्सेशन वगैरह। तो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, जब हम एक गुड हेल्थ की बात करते हैं, इसका मतलब कोई बीमारी नहीं है, एंग्जिटी कोई उतावलापन, ठीक है, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, सोशल और साइकोलॉजिकल कोई टेंशन नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा हाई है, जिंदगी जीने में मजे आ रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते बेटा, हेल्थ के नाम से। लेकिन हम इस हेल्थ में पढ़ेंगे बीमारियां, डिजीज, डिस दैट मीन्स अगेंस्ट और इज दैट मीन्स कंफर्ट, जो हमारे कंफर्ट्स के अगेंस्ट रहे, वही तो होती है ना डिजीज। एनी कंडीशन दैट अफेक्ट आवर नॉर्मल फंक्शनिंग, कोई भी कंडीशन बॉडी की जो कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है बेटा उसको अफेक्ट करे, उसी को हम क्या नाम देते हैं, डिजीज के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैसे भी लगा लो आपके कई बार जो कंपटीशन है उसी में ही छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं। डिजीज दैट मीन्स विच इज अपोजिट टू द हेल्थ,
तो जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो इसको मेजर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे पहली आती है दीज आर नोन एज कंजेनाइटल डिजीज। देखो कंजेनाइटल दैट मीन्स इनबोर्न, जब कोई पैदा हुआ और उसके जन्म से ही कोई डिजीज हो, एक बच्चा जब बीमारी लेके पैदा हो, ठीक है, जन्म से जो बीमारी रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिजीज। जीन म्यूटेशंस, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कंजेनाइटल। लेकिन आफ्टर बर्थ, जो हम जन्म के बाद में हमारी बॉडी जीन डिजीज से अफेक्ट होती है, दे आर नोन एज द एक्वायर डिजीज। और एक्वायर जो डिजीज होती है बेटा, वो दो टाइप की होती है, एक होती है कॉम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कॉम्युनिकेबल। कॉम्युनिकेबल इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में जो जाएगी वो क्या होती है, कॉम्युनिकेबल। कैसे, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, है ना। कि जो कॉम्युनिकेबल जो डिजीज होती है बेटा, वो दो बेस पे हम डिवाइड करते हैं, कौन उनको फैला रहा है, कैसे वो जा रही है, कॉजेटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मान लो मलेरिया फैल रही है, लेकिन मलेरिया फैल किसकी वजह से रही है, मच्छर की वजह से, दैट मीन्स इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बेटा जब हम कॉजेटिव एजेंट यानी कि कौन फैला रहा है, बैक्टीरिया है, वायरल है, जब इसकी बात करेंगे तो ये छह टाइप की डिजीज होती हैं। सबसे पहले आती है बैक्टीरियल। मेडिकल स्टूडेंट हो, 12th क्लास है, तो एटलीस्ट बैक्टीरियल और वायरल डिजीज सारी पढ़ना। ये मत करना कि सिलेबस में यही है तो हमें यही पता होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज बैक्टीरियल होती है और कौन कौन सी डिजीज है जो वायरल होती है, जैसे डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, लेप्रोसी, सेफेलिस, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, कोलेरा, एंथ्रेक्स, ये सारी क्या है, बैक्टीरियल। डेंगू, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, है ना, छोटी माता, बड़ी माता, कॉमन कोल्ड, रेबीज, एड्स, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सारी की सारी कैसी होती है बेटा, वायरल। तीसरे जो एजेंट जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें आते हैं कुछ प्रोटोजोअन्स, मलेरिया, है ना, एमोइबियसिस, अमीबा जो फैलाता है, काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस, हेलमिंथ्स यानी कि वॉर्म्स भी रहते हैं बेटा जो कुछ डिजीज को कॉज करते हैं, टेनिया सोलियम जो मिट्टी में रहता है, टेनियसिस, एस्कैरियसिस, एलिफेंटियसिस, हाथी पाऊ की जो पेशेंट रहता है उसका जो पैर होता है वो कैसे होता जाता है, हाथी के जैसा, ट्राइकोनिस, लीवर रोट, इकाइनोकोकिस। फंगस, दाद, हम सब जानते हैं जो दाद होता है ना पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में, रिंग वॉर्म आप जिसको बोलते हैं, एथलीट्स फुट, जो मोस्टली एथलीट शूज वगैरह जो कंटिन्यू पहने रखते हैं तो कुछ फंगस रहती है जो ग्रो कर जाती है और उसको क्या करती है, अफेक्ट। कैंडिडा डिजीज, जो कैंडिडा फंगस रहती है जिस डिजीज को कोज करती है, कैंडिडिएसिस। रिकेटेशियल, रिकेटेशिया हमने पढ़े थे ना, एक अलग से होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें कौन कौन आता है, टाइफस फीवर, ट्रांस फीवर, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो ये तो थी कि कौन फैला रहा है, वायरल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोवा है, हेलमिंथ है, फंगस है, रिकेटेशिया। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है बेटा कि वो जाएगी कैसे हमारी बॉडी में। देखो कॉन्टाजियस डिजीज, कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस का मतलब है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना। इन्फेक्टेड पर्सन के जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे आज कोरोना चल रही है आज के टाइम पे, वो भी तो कॉन्टाजियस है। When a healthy person come in contact with an infected person, तो direct जाएगी। जो sexually transmitted disease है, small pox, chicken pox, leprosy, कुष्ठ आप जिसको बोलते हो। Non-contagious, non-contagious का मतलब है कि infected से healthy person में तो जा रही है लेकिन direct नहीं, food, air या water के through, हैजा, आदमी से आदमी में थोड़े फैलता है, टीबी जब हम खांसते हैं, टाइफाइड दैट मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैरियर के थ्रू जाएं, समझे बेटा, जब वो कैरियर के थ्रू, मलेरिया जा रहा है लेकिन किसके थ्रू, मच्छर के थ्रू जब जाता है। लेकिन और भी हमारी बॉडी में डिजीज रहती हैं विच आर नॉन कॉम्युनिकेबल, हमारे अंदर हुई और जब तक हम जीते हैं हमारे अंदर ही रहती हैं। ये सारा का सारा जो आपको थोड़ी डिटेल करवा रही हूँ, 9th क्लास में हमने कर चुके। तो डिजीज पढ़ने से पहले हमें एक्चुअल में उसका पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज है, कैसी होती है। देखो डेफिशिएंसी, इंसुलिन जब कम होगी तो डायबिटीज मेलिटस, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है कैवर्सकोकर, ग्रोथ हार्मोन जब बॉडी में कम होता है दिस वन इज नोन एज द ड्वार्फिज्म,
डीजनरेट जब कोई बॉडी टिश्यू खत्म होता है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस जिसको कि हम गठिया के नाम से जानते हैं, कैंसरस जब कोई सेल हद से ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो ट्यूमर बनता है, और ट्यूमर जब बनता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर। एलर्जी है ना, कांग्रेस ग्रास के बारे में हम सब जानते हैं, गजर घास जिसको बोलते हैं, जो जिसके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कोज करते हैं, एलर्जी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द डिजीज। तो नॉन कॉम्युनिकेबल में डेफिशिएंसी, डीजनरेट, कैंसरस और इसके अलावा एलर्जी वगैरह आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द कोजिज ऑफ द डिजीज। बेटा ये सिलेबस में नहीं है बट पता होना चाहिए, द कोजिज एनी सब्सटेंस दैट कोज ए डिजीज, या तो वो कम है या वो ज्यादा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, डिजीज एजेंट, बीमारी को फैलाने वाला। तो सबसे पहले आते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब समझ गए, एनी ऑर्गेनिज्म दैट कोज डिजीज आर नोन एज द पैथोजन। पैथोजन की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, पैथोजन के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, कुछ दिन रहते हैं, ठीक है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसमें कौन आ गया, वायरस है, बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल में आते हैं। ये कैसे कोज करते हैं बेटा, अपने टॉक्सिन को हमारी बॉडी में रिलीज आउट कर देते हैं। दूसरे रहते हैं केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट जब यूरिया वगैरह ज़्यादा हो जाए, यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कई सारी पोल्यूटेंट गैस यानी कि बाहर से या अंदर से, कैसे भी जब कोई केमिकल एजेंट हमारी बॉडी को अफेक्ट करे, न्यूट्रिटिव मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, इन सब की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में डिजीज कोज करती है। हीट है ना, स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा ठंड भी अफेक्ट करती है, रेडिएशंस अफेक्ट करती है, साउंड अफेक्ट करती, हर चीज़ हमारी हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट। और इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी बेटा, जब स्प्रेन वगैरह, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन है ना, जॉइंट्स जब डिसलोकेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो जब हम इन सारे एजेंट्स की बात करेंगे, पांच एजेंट पड़े, इसमें से जो बायोलॉजिकल यानी कि जो पैथोजन्स होते हैं, एक्जोजिनस जैसे अल्कोहल है, टोबैको, ड्रग, पोल्यूटेंट जो एलर्जी कोज करते हैं, एलर्जेंस वगैरह जितने भी आते हैं यानी कि जो बाहर से अफेक्ट करते हैं, जितने भी फैक्टर जो डिजीज कोज करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और दूसरे जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये पांच टाइप के हमने एजेंट पढ़े, दे आर द प्राइमरी कोज ऑफ द डिजीज, यानी कि जो मेन कोज होता है, जो मेन रहते हैं विलेन, वो यही है। इसके अलावा तो और भी हो जाता है, ये प्राइमरी लेवल। अब लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जब उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, वो होता है बेटा सेकंड लेवल। एक होता है थर्ड लेवल, हमने तीन लेवल किए, फर्स्ट लेवल जो ये पांच मेन कारण, सेकंड लेवल जब न्यूट्रिशन वगैरह, जब लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा, और थर्ड लेवल होता है पॉवर्टी, गरीबी। हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे भूख की वजह से कितने ऐसे लोग हैं जो खाली पेट सोते हैं। तो तीन लेवल है बेटा, ये क्वेश्चन नाइन्थ क्लास का है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हम नाइन्थ क्लास में क्वेश्चन बनाते थे, व्हाट आर द लेवल ऑफ कोजिज ऑफ द डिजीज। तो हम तीन लेवल पे कैटेगराइज करते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूट्रिटिव, फिजिकल, मैकेनिकल फर्स्ट लेवल, नरिशमेंट ना मिलना सेकेंड लेवल का कोज है, और जो गरीबी है, गरीबी की वजह से जब लोग बीमार पड़ते हैं, वो होता है उसका थर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आ रही है, और कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आ रही है, यानी कि अभी हम फिलहाल इसी के एक और लेक्चर बनाएंगे जो कि जनरल इंट्रोडक्शन का रहेगा।